हेलो गाइस, आज मैं आया हूँ किशनगढ़। और किशनगढ़ दो चीज़ों के लिए फेमस है, एक है मार्बल के लिए और एक है डंपिंग यार्ड के लिए। तो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ किशनगढ़ डंपिंग यार्ड। आपने कई सारी मूवीज़ देखी होगी जिसमें जो आपने बर्फीला इलाका देखा होगा वो अधिकतर हमारे किशनगढ़ का ही शूट होता है। जो मार्बल का जो वेस्टेज निकलता है उसको एक वेस्टेज को एक जगह ले जाकर इकट्ठा किया जाता है। अब वो इकट्ठा करते करते उसने पहाड़ का रूप ले लिया है। अब पहाड़ का रूप लेने के बाद जो वेस्टेज है वो वाइट कलर का होता है, तो ऐसा लगता है देखने में जैसे कोई हम बर्फीले के इलाके में आ चुके हैं। अगर मैं बात करूँ कुछ मूवी की, तो आपने कपिल शर्मा की पहली मूवी देखी होगी किस किस से प्यार करो, उसका मूवी का गाना शूट हुआ है यहाँ पे। एक सलमान खान की मूवी आई थी प्रेम रतन धन पायो, उस मूवी का यहाँ पे शूट हुआ है। और कई पंजाबी सॉन्ग वगैरह हैं जिसका शूट वगैरह यहाँ हुआ है। तो काफ़ी अच्छी जगह है, जो भी अजमेर घूमने आता है वो यहाँ तो ज़रूर आता है। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ मार्बल एसोसिएशन, जहाँ पे आपको यहाँ आने के लिए पास लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आप आगे जा सकते हैं, वरना अदरवाइज़ आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो चलिए अब चलते हैं मार्बल एसोसिएशन से, हम लेते हैं पास, फिर आगे का सफ़र मैं बताऊँगा आपको। तो सबसे पहले आपको आना है मकराना चौराया, या फिर आप आ सकते हो पर्यावरण रोड। मकराना चौराया आते ही आप पर्यावरण रोड आ जाइए। पर्यावरण रोड से आपको मार्बल एसोसिएशन के पास आना है, यहाँ से आपको टिकट मिलेगा यानी कि पास मिलेगा डंपिंग यार्ड जाने का। तो ये मार्बल एसोसिएशन है जहाँ से आपको पास लेना है। पास लेने के लिए आपको आपकी आईडी आपके पास होनी चाहिए, टिकट वगैरह अभी नहीं है। वैसे यहाँ पे बहुत जल्द टिकट फैसिलिटी भी होने वाली है, तो आपको टिकट लेके ही अंदर जाना पड़ेगा। और आप अगर यहाँ पे प्री वेडिंग शूट करवाना चाहते हैं तो 5,100 रुपये की यहाँ पे आपको रसीद कटवानी होगी, उसके बाद आप प्री वेडिंग शूट कर सकते हैं। ड्रोन वगैरह अलाउ नहीं है वहाँ पे, क्योंकि एयरपोर्ट पास में ही है तो वहाँ से फ्लाइट वगैरह जाती है, इसलिए ड्रोन अलाउ नहीं करते हैं। तो यहाँ लिख रखा है डंपिंग यार्ड खुलने का समय 10 बजे का है और शाम को 5 बजे बंद हो जाता है। प्री वेडिंग शूटिंग और वीडियोग्राफी का समय 10 से 5 बजे का है और यहाँ पे रसीद कटवानी पड़ेगी। अंदर से मैं आपको दिखाता हूँ कैसा मार्बल एसोसिएशन लगता है। ये देखो, ये है मार्बल एसोसिएशन। तो गाइज़ ये पास ऐसा मिलता है यहाँ पे किशनगढ़ मार्बल एसोसिएशन की सील लगो भी है, आपका नाम है, आपका आधार कार्ड नंबर है, मोबाइल नंबर है और डेट लिखो भी है, ऐसी पर्ची आपको मिलती है। तो ये पर्ची लेके आपको वहाँ दिखानी पड़ेगी, उसके बाद आपको आगे जाने दिया जाएगा। तो देखो जगह जगह ऐसे एरो लगे हुए हैं जहाँ पे लिखा हुआ है डंपिंग यार्ड। तो गाइस ये है किशनगढ़ का डंपिंग यार्ड, यहाँ मैं पहुँच चुका हूँ। और यहाँ पे देखिए बाहर से बहुत सारी गाड़ी वगैरह आ रही है। अब यहाँ पे क्या है, जैसे गाड़ियों को रोक रहे हैं यहाँ पे, पास वगैरह चेक हो रहे हैं, उसके बाद आप आगे जा सकते हो। तो गाइस मैं जा रहा हूँ अब आगे। भाई यहाँ पे कैमरे से आप शूटिंग करोगे ना तो आपको फाइन लग सकता है या आपके कैमरे जब्त हो सकते हैं, तो ये चीज़ का ध्यान रखना, लोगों की नज़रों से बचा के आपको शूट करना है। यहाँ पे आप गाड़ी वगैरह खड़ी कर सकते हो। गाड़ी खड़ी करने के बाद यहाँ पे एक पब्लिक प्लेस बन रखा है जहाँ पे आप कुछ खाना पीना भी चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे मिल जाएगा। और साथ में यहाँ पे वॉशरूम वगैरह बना रखे जो कि ये देख रहे हैं पीछे। तो पहले तो क्या था यार, पूरा वहाँ तक गाड़ी जाती थी, अभी गाड़ी वगैरह जाना अलाउ नहीं है। जैसे ही शाम होगी ना तो भीड़ और ज़्यादा बढ़ जाएगी यहाँ पे। तो अभी मैं जा रहा हूँ आगे। गाइज आपको ऐसा व्यू मिलने वाला है यहाँ आने के बाद, अब देखने में लग रहा है ना बिल्कुल जैसे कोई बर्फ़ की वादियों में आ चुके हैं। और यहाँ बताना चाहूँगा, अगर आप प्री वेडिंग करवाना चाहते हैं तो उसके 5,100 रुपये देने पड़ेंगे। अगर आप कोई प्रिंट शूट करवाना चाहते हैं तो उसके 30,000-51,000 रुपये की यहाँ पे रसीद कटती है। अगर आप कोई मूवी की शूटिंग कर रहे हैं तो 1,00,000 रुपये की उसकी रिसीट कटती है। और अगर आप कोई सॉन्ग वगैरह का शूट कर रहे हैं तो 51,000 रुपये देने पड़ते हैं। अभी यहाँ पे क्या है, फ्लाइंग वगैरह बीच बीच में आती रहती है, कोई इलीगली तो कोई ड्रोन वगैरह या कैमरा वगैरह तो नहीं चला रहे थे, मोबाइल वगैरह अलाउड है, लेकिन कैमरा देखते हैं भैया 11,000 रुपये की रिसिप्ट करती है, यहाँ पे फाइन लग जाता है 11,000 रुपये। अब यहाँ से देखो जो पानी वगैरह जम रखा ना, बिल्कुल ग्रीन कलर का पानी दिख रहा है।
अल्टीमेट मिल रहा है भाई। और यहाँ का देखो पीछे का व्यू, इसी व्यू के लिए ना लोग यहाँ आते हैं, इतनी दूर बाहर से कई लोग आते हैं जो शूटिंग वगैरह करते हैं। और अभी मैं आपको जो प्री वेडिंग शूट वगैरह भी चल रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा कैसे प्री वेडिंग शूट होते हैं इधर, वो सारी चीज़ें बताऊँगा। अभी ये देख लो ये पास में क्या है, बारिश का जो पानी गिरा ना तो ये एक तरह से झील का रूप ले लिया। अब ये देखो ब्लू एंड ग्रीन कलर में कितनी प्यारी झील लग रही है, तो कितना प्यारा व्यू मिलता है यार यहाँ पे। अब देखो अभी क्या है, सूरज की रोशनी नहीं आ रही तो अभी बादल हो चुके हैं, तो और भी प्यारा व्यू मिलने वाला है। और हॉर्स राइडिंग वगैरह भी स्पेशली आप कर सकते हैं, 100 रुपीज़ चार्ज है उसका। तो जब भी आप यहाँ पे आ रहे हैं एक चीज़ का ध्यान रखिए, पानी के पास बिल्कुल मत जाना, क्योंकि क्या है ये जो आप देख रहे हैं ना बहुत दलदल होता है। अभी देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये पानी देख लो आप, और इसके पास में देखो कितना कीचड़ है, दलदल है। ये क्या है, वेस्टेज है एक तरह से, मार्बल का जो वेस्टेज निकलता है वाइट कलर का, उसको ला ला के यहाँ पे इकट्ठा करते गए, तो 10-12 सालों में इसने ऐसा रूप ले लिया जो कि आप देख रहे हैं अभी। अब ये एक तरह का एक हॉट स्पॉट बन चुका है, जो भी अजमेर आएगा ना वो तो यहाँ आएगा। जयपुर से भी लोग आ जाते हैं यार यहाँ पे, यहाँ का व्यू कैप्चर करने। तो यार पानी के पास बिल्कुल भी मत जाना, कई हादसे यहाँ पे हो चुके हैं, कई लोग यहाँ पे डूब चुके हैं पानी के अंदर फोटोग्राफी करने के चक्कर में, क्योंकि कितनी गहराई है कुछ आइडिया नहीं लग सकता। ऐसा देखने से आपको लगेगा बहुत कम पानी है, लेकिन ये दलदल है, इसके नीचे पैर अपने धस जाते हैं, उसके बाद बाहर निकलना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो ये जगह जगह आपको मार्क कर रखे हैं कि भाई पानी से दूर रहें, हर जगह साइन बोर्ड दिखेंगे आपको भाई कि कैमरा ड्रोन उड़ाना अलाउ नहीं है, पानी से दूर रहें, ऐसे साइन बोर्ड होंगे। अब मैं हॉर्स राइडिंग के उधर जा रहा हूँ, हॉर्स राइडिंग देखते हैं क्या चार्ज लेते हैं। 100 रुपीज़ है वैसे तो, क्योंकि मैं ऑलरेडी 2-3 वीडियो उसकी बना चुका हूँ। मेरा जो पहले वाला चैनल था अभी भी है, माई ट्रैवलिंग डायरी के नाम से, अगर उसको भी सब्सक्राइब करना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। ये भैया है, इनके अंडर में आते हैं जितने भी घोड़े है ना इधर। तो क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम सोनू ठाकुर है। सोनू ठाकुर जी है जो कि यहाँ पे हॉर्स राइडिंग वगैरह कराते हैं, और इतने कम में करवाते हैं कि आप और कहीं जगह जाएंगे ना ऐसे प्लेसेस में तो वहाँ पे आपसे 300-500 मांगे जाएंगे, लेकिन यहाँ पे 100 में आपको काफ़ी अच्छी, एक तो फोटोज़ लेते हैं ये काफ़ी अच्छी, इनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, और आपकी जो रील बनाएंगे ना ये आप खुद भी नहीं बना सकते, इतनी अच्छी ये रील वगैरह बनाते हैं। मैं क्या 100 रुपये लेता हूँ? 100 रुपये में फोटो, वीडियो, राइडिंग, स्लोमो, नॉर्मल एक्शन सब, एंटिक फोटोशूट। फोटोशूट आपको पसंद नहीं आया तो पैसे नहीं लूँगा, ठीक है ना? ये मेरा फेवरेट घोड़ा है बादल। अभी क्या है, नवरात्रि से ना यहाँ पे टिकट सिस्टम भी होने वाला है, तो आप अगर आएंगे ना तो आपको 20 रुपये चार्ज देना पड़ेगा पर पर्सन के हिसाब से। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ ये जो प्री वेडिंग शूट वगैरह चल रहे हैं यहाँ पे। ड्रोन नहीं उड़ाने का यहाँ का सबसे बड़ा रीज़न बताऊँ क्या, यहाँ से क्या है एयरपोर्ट पास में ये, तो यहाँ से फ़्लाइट वगैरह गुजरती रहती है, इसलिए क्या है ड्रोन उड़ाना अलाउ नहीं करते। सामने जो फ्लाइट जा रही है, सामने आप देख रहे हो प्री वेडिंग चल रहा है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, किशनगढ़ डंपिंग यार्ड में बहुत सारे प्री वेडिंग शूट वगैरह चलते रहते हैं, और पंजाबी सॉन्ग के आए दिन यहाँ पे शूटिंग होती रहती है। तो ये भैया मुझे मिले हैं, क्या नाम है आपका? दीपेश सॉन्ग। दीपेश जी हैं जो कि नागपुर से आए हैं स्पेशली प्री वेडिंग शूट के लिए। लोकेशन इज़ ब्यूटीफुल के एंड प्री वेडिंग शूट के लिए इज़ अ प्रॉपर प्लेस। बस यार थोड़ा क्या, बाहर से जो लोग आते हैं ना उनकी एक ही कंप्लेंट रहती है कि यार यहाँ पे चार्ज वगैरह जो लेते हैं ना वो या तो कम कर दें या उसको हटा ही दें। गाइस अब जो मैं लोकेशन आया हूँ ना यार, ये बहुत प्यारी है, इधर क्या है ज़्यादा भीड़ भी नहीं है और आप इजीली फोटोग्राफी कर सकते हो, कोई आपको परेशान करने वाला नहीं मिलेगा। और इधर क्या है, पानी बहुत गहरा है, ये जो पानी है ना बहुत गहरा है, तो इधर क्या है थोड़ा संभाल के आपको फोटोग्राफी करनी। कई लोग क्या है तो ज़्यादा एक्साइटमेंट में आ जाते हैं और ये पानी वानी के अंदर गिर जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा हादसे वगैरह हो जाते हैं इधर। तो ये देख लो यहाँ की लोकेशन, ये काफ़ी प्यारी लग रही है मेरे को लोकेशन, जितना मैं घुमा हूँ ना सबसे बेस्ट लोकेशन यही लग रही है, क्योंकि इधर जो पानी है ना उसका कलर काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं डंपिंग यार्ड घूम रहा था, तो जैसा मैंने आपको बताया था कि यार इंडिया से काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे। अभी हमें सर मिले हैं जो कि MP से आए हैं, तो सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम शानू पठान है। शानू पठान है, और ये स्पेशली तो क्या है ख्वाजा गरीब नवाज के हैं अजमेर, तो इनको पता लगा, इन्होंने यूट्यूब पर ऐसे वीडियोज़ देखी
तो इनको पता लगा कि भाई यहाँ पे ऐसी जगह है जहाँ पे जाने के बाद ऐसा लगता है जैसे हम कश्मीर आ गए। तो ये इनकी फैमिली के साथ में आए, तो इनकी फैमिली से मैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन करा देता हूँ, उनका कैसा यहाँ आने के बाद कैसा लगा वो बताऊँगा आपको। तो आपका नाम तो बता दिया, आपका क्या नाम है? नवाज पठान। और आपका? तेबा पठान। फेजा पठान। और आपका नाम तो बताओ आपका। तो आपको कैसा लगा स्पेशली अजमेर आके, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। तो यार इन्होंने तो यहाँ पे एंजॉय कर लिया, अब आपकी बारी है आने की, तो जल्दी से यहाँ का प्लान बनाइए अजमेर रहने का। अजमेर से 35 किलोमीटर दूरी पे है, बहुत अच्छा व्यू मिलने वाला है आपको। तो थैंक यू सो मच, आपकी फैमिली से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू। तो गाइस ये था किशनगढ़ का डंपिंग यार्ड, कैसा लगा आपको ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अजमेर से लगभग ये 35 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है, जयपुर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर, जो नियरेस्ट आपके सिटी पड़ती है वहाँ आप आ सकते हो। दिन भर एंजॉय करने के बाद वापस अपने सिटी जा सकते हो। आप अगर अजमेर से भी आओगे ना तो आपको काफ़ी सारे व्हीकल्स मिल जाएंगे, टैक्सी वगैरह, जिससे आप आ सकते हो। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे और आपके लिए काम नहीं कर पाएंगे। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में, थैंक यू।